जाम घुटने को कैसे खोलें? घुटने जाम का मतलब है दोस्तों कि आपका घुटना मुड़ नहीं रहा है या फिर आपका घुटना थोड़ा सा मुड़ा हुआ गया सीधा नहीं हो पा रहा है या फिर दोनों ही चीजें ना वो सीधा हो पा रहा है पूरी तरह से ना ही वो पूरी तरह से मुड़ रहा है इसको बोलते हैं नी स्टिफनेस घुटना जाम होना या घुटने का नहीं मुड़ना आखिर ये कंडीशन किस किस वजह से आ सकती है दोस्तों तो ये कंडीशन कई बार घुटने में चोट की वजह से आती है कि आपको चोट लग गई आपने बहुत लंबा रेस्ट ले लिया और अब वो घुटना मुड़ना बंद हो गया जाम हो गया कई बार घुटने के ऑपरेशन के बाद ये कंडीशन आ जाती है घुटने में हड्डी टूट गई आपको प्लेट लगा हुए वायर लगे हुए वे, हैं उस वजह से बहुत लंबे समय तक प्लास्टर रह गया जब प्लास्टर हटा तो घुटना जाम मिला आपने बहुत कोशिश की फिजियोथेरेपी से उसके बाद भी नहीं मोड़ पाए क्योंकि वो घुटना जाम हो गया लिगामेंट सर्जरी में अगर बहुत लंबे समय तक हम अपने घुटने को नहीं मोड़ें तो भी घुटना जाम हो जाता है कई बार नी के इन्फेक्शन में घुटना जाम हो जाता है तो बहुत सारे कंडीशनस हैं जिस कंडीशन में आपका घुटना जाम हो सकता है आप इनिशियली जाम को हटाने के लिए एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है नी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज अगर आप रेगुलरली करेंगे तो हो सकता है आपका घुटना जाम है वो खुल जाए पर दोस्तों बहुत सारे लोगों में वो घुटना कभी नहीं खुलता है बहुत सारी एक्सरसाइजेस करने के बाद भी क्यों नहीं खुल पाता है पहला रीज़न कई बार जो घुटने का कैप्सूल इतना टाइट हो जाता है कि आप फिज़िकली एक्सरसाइज खुद करने से आप वो कैप्सूल लूज़ नहीं कर पाते कई बार नी के अंदर काफ़ी फाइब्रोसिस आता है जिसकी वजह से घुटना बैंड होना बंद हो जाता है बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपके थाई की हड्डी टूट जाती है फीमर टूट जाती है तो जो उसमें जो कैलस बनता है वो आपकी थाई की मांसपेशियों को पकड़ लेता है अपने साथ में इस कारण टीदरिंग हो जाती है आपके थाई की मसल की जिसके कारण थाई की मसल खींच नहीं पाती और आपका घुटना जाम हो जाता है आपके पटेला कई बार इतना स्टिफ हो जाता है कि वो भी घुटने जाम का रीज़न बनता है तो बहुत सारे रीज़न है दोस्तों जिसमें आप चाह कर भी अपने जाम घुटने को सिर्फ एक्सरसाइजेस की मदद से नहीं खोल पाते जनरली जो पुरानी टेक्निक होती थी घुटने जाम को खोलने के लिए जब मसल्स आपकी थाई बोन से चिपक गई तो ओपन टेक्निक होती थी बहुत बड़ा चीरा लगाया जाता था घुटने के अंदर थाई के अंदर मसल को बोन से एलिवेट किया जाता था और उसके बाद जब घुटना जाम खुल जाता था तो फिर रोज़ एक्सरसाइज कराई जाती थी दोस्तों इसमें एक बार ऑपरेशन के दौरान तो घुटना पूरा खुल जाता है पर क्योंकि जो इतने बड़े टाँके लगे हैं बहुत बड़ा जो चीरा लगा है वो इतना दर्द करता है दोस्तों ऑपरेशन के बाद के पेशेंट ऑपरेशन के बाद घुटना अपने आप नहीं मोड़ पाता क्योंकि बहुत दर्द होता है इस कारण जो घुटने में हमने ऑपरेशन करके जो आपका जाम खोला था वो वापस जाम हो जाता है कुछ दिनों में क्योंकि आप एक्सरसाइजेस कर ही नहीं पाए जो हमने अचीव करके दिया था आपको ऑपरेशन थिएटर में वो रोज़ अचीव करना होता है दोस्तों वो रोज़ अचीव करने के लिए रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज मतलब जो घुटने मोड़ने की एक्सरसाइज है वो पेन फ्री या कम पेन की होनी चाहिए अगर बहुत बड़ा चीरा लगा हुआ होगा तो बहुत पेन होगा आप नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली घुटना वापस जाम हो जाएगा जैसे कि वो पहले था इसीलिए दोस्तों जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम इसमें दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं दूरबीन के ऑपरेशन से हम नी के जो फाइब्रोसिस हैं उनको रिलीज़ कर सकते हैं अगर पटेला बहुत स्टिफ है तो वहाँ पर रिलीज कर सकते हैं साथ में अगर क्वाड्रिसेप्स मसल आपके थाई बोन फीमर पे चिपक गई है तो आर्थरोस्कोपी मतलब छोटे छोटे छेद से क्वाड्रिसेप्स प्लास्टी मतलब क्वाड्रिसेप्स को उठाया भी जा सकता है इस टेक्निक में दोस्तों कोई बड़ा चीरा नहीं लगता कोई ब्लड लॉस नहीं होता और आपका घुटना पूरा खोल दिया जाता है जैसे कि वो इंजरी या जाम होने से पहले था ऑपरेशन के बाद लगातार एक्सरसाइजेज करनी पड़ती है ताकि जो हमने बैंडिंग अचीव की है वो आप लगातार बैंडिंग अचीव करते रहे रोज़ ताकि वापस जाम नहीं हो क्योंकि ये सर्जरी दूरबीन से हुई है इसमें दर्द बहुत कम होता है तो पेशेंट आराम से बैंड कर पाता है और जो उसका रिजल्ट है वो परमानेंट हो जाता है दोस्तों वो दोबारा ख़राब नहीं होता क्योंकि पेन ही नहीं होता है सर्जरी के बाद जब आप दोबारा अपना घुटना मोड़ते हैं तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका घुटना जाम हो गया है तो आप निसंकोच हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप हमें व्हाट्सएप कीजिए अपने घुटने की रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप कीजिए और हम उसका फ्री में ओपिनियन देंगे कि आखिर सबसे बेस्ट मेथड क्या रहेगा आपके घुटने को खोलने के लिए हम रखें आपका ख्याल